Hey everyone, today we are going to discuss a very important topic that is NCW National Commission for Women. National Commission for Women के ऊपर question हर साल आता है और आपको ये ज़रूर से करना है question. National Commission for Women is nothing but a statutory body of the Government of India, generally जो कि जिसका काम है advise करना government को on all policy matters जो कि women से concerned हैं. ये कोई ऐसी बॉडी नहीं है जिसका लिया हुआ फैसला बाध्य होता है या मान्य होता है. इसका काम खाली सजेशन देने का है. ये एक ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशंस दे सकती है, एडवाइस दे सकती है हर पॉलिसी मैटर रिलेटेड टू विमेन. ये खाली विमेन से ही रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज़ हैं उन्हीं के ऊपर दे सकती है. ये एस्टैब्लिश किया गया 31 जनवरी 1992 में. 31 जनवरी 1992 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर एज डिफाइंड इन 1990 नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स एक्ट. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स एक्ट 1990 के हिसाब से इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 31 जनवरी 1992 में हुआ. ये बॉडी एस्टैब्लिश की गई कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने के लिए, लीगल सेफगार्ड्स को जो है वुमेन को लेके उनको रिव्यू करने के लिए और उनके ऊपर रेमेडियल मेजर्स देने के लिए कि जो भी कुछ गलतियां हैं उनके ऊपर रेमेडियल मेजर्स देने के लिए एंड टू फैसिलिटेट रेड्रेसल एंड ग्रीवियंसेस एंड सुओ मोटो नोटिस ऑफ द मैटर्स. ये सुओ मोटो भी नोटिस कर सकते हैं मैटर्स को. सुओ मोटो करना मतलब खुद से लेना, कोई और लेके नहीं जा रहा है कंप्लेंट. मैं बैठी हुई हूँ ऑफिस में और मेरा एकदम आया मेरे दिमाग में कि अच्छा ये वाला मैटर हम उठा के देखते हैं, तो वो मैटर उठा के देखा उसमें गड़बड़ मिली तो मैंने उसको कंसिडरेशन में ले लिया. तो सुओ मोटो भी ये मैटर्स उठा सकती हैं, उनके ऊपर रिसर्च कर सकती हैं और उनके ऊपर रिव्यू करके उस पर रेमेडियल मेजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे सकती हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में अथॉरिटी है एनसीडब्ल्यू को फॉर्म करने की, जिसमें एक चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जाता है. एनसीडब्ल्यू रिस्पॉन्सिबल है प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए और ये सिविल कोर्ट की सारी पावर इनको मिलती है. इसके कॉम्पोजिशन में कौन कौन होता है? इसके कॉम्पोजिशन में 6 लोग होते हैं जिसमें से एक चेयरपर्सन होता है, 5 दूसरे मेंबर होते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं अपनी फील्ड में. लॉयर हो सकता है, एजुकेशनिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं, बट वो प्रोफेशनल्स होने चाहिए. 3rd मेंबर सेक्रेटरी होता है एक जो कि मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हो. तो कौन कौन हुआ? एक चेयरपर्सन हुआ, 5 दूसरे मेंबर्स हुए जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं अपनी अपनी फील्ड के, और तीसरा यहाँ मेंबर सेक्रेटरी होता है जो कि मैनेजमेंट करने में एक्सपर्ट होता है. नाउ इसके फंक्शंस क्या हैं? इसका पहला फंक्शन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन करना. कोई भी केस आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो इंक्वायरी करना और उस पर इन्वेस्टिगेट करना, और सिविल कोर्ट की सारी पावर इनके पास होती ही है तो ये सारा इन्वेस्टिगेशन करते हैं. दूसरा एक्शन रिसर्च, ये अमेंडमेंट्स करना जो है वो गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप इस चीज़ में क्या क्या रेमेडियल मेजर्स ले सकते हैं, क्या क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं, वो भी ये आपको रिकमेंड करते हैं. 3rd लीगल इंटरवेंशन फॉर कॉर्डियल म्यूचुअल सेटलमेंट. आपस में किसी भी केस में म्यूचुअल सेटलमेंट कैसे हो सकती है, उसमें लीगल मैटर्स में इंटरफेयर करते हैं और वो भी विद द कोर्ट्स अप्रूवल, और ये कॉर्डियली म्यूचुअली सेटलमेंट करवा देते हैं लोगों के बीच में. नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इशूज. सारे जितने भी मैटर्स हैं वुमेन से रिलेटेड उन सब पे इन्वेस्टिगेशन करना और उसका एग्जामिनेशन करना सारे मैटर्स का. देन प्रिजर्वेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑन वर्किंग, वर्किंग के ऊपर रिपोर्ट्स को प्रिजर्व करके रखना और इन रिपोर्ट्स को संभाल के रखना. रिकमेंडेशंस देना, रिव्यूज़ करना, केसेस ऑफ वायलेशन, कहीं पर अगर किसी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वायलेट किए हैं उनके केसेस को हैंडल करना. सुओ मोटो, किसी भी विमेन के साथ अगर कोई डेप्रिवेशन हुआ है तो उसका नोटिस करना. स्पेशल स्टडीज़ करना, रिसर्च करना, ठीक है, फंडिंग करना एंड रिपोर्ट्स देना गवर्नमेंट को, ये सारे इसके फंक्शंस में आता है. एनसीडब्ल्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है. ये नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंपॉर्टेंट रोल होता है मेनली गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देना, इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च कर जितनी भी उनके दिमाग में पॉलिसीज आती हैं, या वो कुछ भी ऐसा एडवाइजरी दे सकते हैं गवर्नमेंट को जिससे इनकी स्टेट जो है वुमेन की सुधर सकती है. और साथ ही साथ ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी काम करते हैं, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं वुमेन से रिलेटेड, अवेयरनेस कैंप लगाते हैं. कहीं पर अगर वुमेन के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ पर ये लोग अपना एक्टिव रोल प्ले करते हैं. इसमें लीगल कंसल्टेंट्स भी हायर किए जाते हैं जिनसे लॉ के साथ टच में रहते हैं और लोगों को रिकमेंडेशंस देते हैं. तो ये सारी चीज़ें एनसीडब्ल्यू के मेजर फंक्शंस में ही आती हैं. ये हर स्टेट लेवल पर भी पाया जाता है इसका ऑफिस, और नेशनल लेवल पर भी पाया जाता है. तो इसमें जो अपॉइंटमेंट है वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है नेशनल लेवल की, और जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है स्टेट लेवल के कमीशन की.
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। स्टिल अगर आपको नोट्स वगैरह कुछ चाहिए या आपको कोई कंटेंट राइटिंग का काम चाहिए करवाना है तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम ऑन दिस नंबर। माई नंबर इज 9953-08400। माई नेम इज़ डॉक्टर प्रियंका। यू आर फ्री टू मैसेज मी एनी टाइम।